नमस्कार, मैं सीपी ब्रह्मा और आज बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 2800 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। कन्याकुमारी से कश्मीर 3700 किलोमीटर से अधिक की यात्रा राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करने वाली है। यात्रा के खूबसूरत कई वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी रोज 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। 100 से ज़्यादा दिन चलने के बाद भी राहुल गांधी के व्यवहार में वही सौम्यता देखी जा सकती है जो पहले दिन थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अपनत्व का एहसास करवाते राहुल गांधी यात्रा में बिना बौखलाए, संयम खोए और बिना चिढ़ते हुए सिर्फ मुस्कान बिखेरते नजर आते हैं। जो उनके करीब नहीं पहुंच पाते वह राहुल राहुल कहके हाथ हिलाते नजर आते हैं। बदले में राहुल गांधी भी मुस्कान के साथ उनका भी अभिवादन करते हैं, फ्लाइंग किस देते हैं। राहुल गांधी बच्चों में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। बच्चों से बात करते हैं, उनके भविष्य के बारे में पूछते हैं, उनके साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं, गले मिलते हैं, बाहों में बढ़ते, इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं जिन पर मिलियंस व्यूज मिल रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा जिसमें मध्य प्रदेश उज्जैन की 3 छात्राएं, 11वीं की शीतल पाटीदार अंतिमा पंवार और 10वीं की गिरजा पंवार राहुल गांधी के साथ हेलीकॉप्टर में हवाई यात्रा करती नजर आ रही है। राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर जारी वीडियो में बच्चियों के साथ राहुल गांधी बात करते, पायलट से बात करवाते, हेलीकॉप्टर के उड़ने की तकनीकी जानकारी बच्चियों को देते नजर आ रहे हैं। 20 मिनट राहुल गांधी बच्चों के साथ रहे। राहुल गांधी ने सभी के साथ फोटो खिंचवाई। राजस्थान के बूंदी जिले में हवाई यात्रा करवाई गई। बच्चों ने बताया कि उज्जैन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी जी से उनसे बात हुई थी। हमने हेलीकॉप्टर में बैठने की इच्छा जताई थी, राहुल जी ने वादा किया था और आज हमारी इच्छा 10 दिन में ही पूरी कर दी गई, जिसके हमें उम्मीद ही नहीं थी। बच्चों ने राहुल गांधी के साथ हेलीकॉप्टर की हवाई यात्रा को अकल्पनीय और कभी न भूलने वाली बताया। हेलो कैप्टन साहब, वी गॉट सम पैसेंजर्स फॉर यू। इसमें बैठो तुम कभी। अगर बच्चे हैं उनको सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पहले देखना है। हिंदुस्तान में अगर कोई युवा आगे बढ़ना चाहता है तो यही 5 रास्ते हैं: डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्मी। तो आप में से किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई मैं तो पायलट बनना चाहता हूँ, मैं तो हवाई जहाज देखता हूँ, मैं हवाई जहाज उड़ना चाहता हूँ। क्योंकि आपको लगा वो दरवाजा आपके लिए बंद। अगर आपको हमने, आप सबको हमने जहाज की कॉकपिट में बिठा दिया सामने, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप में से आधे लोग तो कहेंगे भैया मैं पायलट बन। एक बार हवा में उड़ान भरी वो बार बार वो करने की कोशिश करेगा। देखो ये स्टार्ट के बटन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना इंजन 1, इंजन 2। हेलो कैप्टन साहब, वी गॉट सम पैसेंजर्स फॉर यू। इसमें बैठे हो तुम कभी। यस सर, अभी बिठाया हमको। वो रडर, इसको रडर कहते हैं, इसको एलरॉन कहते हैं। यस सर, एंड ये पावर होता है जो उसको एक्सेलरेटर में एक्सेलरेटर का काम करता है। आओ चलो। उस मीटिंग में मेरा क्या कहना था कि अगर बच्चे हैं उनको सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पहले दिखना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। अब अगर बिना एक्सपीरियंस के निर्णय ले रहे हैं शॉर्ट, वो निर्णय सही हो ही नहीं सकता। मैं आपके दिमाग में यह डालना चाहता हूं कि आप जो भी सोचो आप कर सकते हो। ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं बस ये 5 चीजें कर सकता हूं। अगर आपने मन बना लिया आप कुछ भी कर सकते हो। अब आपने पहले हेलीकॉप्टर को देखा होगा मगर आपको नहीं मालूम ये उड़ता कैसे है, मतलब गहराई में जाना चाहिए। मेरे पापा पायलट थे। अगर हमको पायलट बनना है तो 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं?
तो आप फ्लाइंग स्कूल में जाइए, फिर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलता है, उसके बाद कमर्शियल मिलता है, उसके बाद एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट मिलता है। अब पायलट का पता है क्या होता है, जो नॉर्मल आदमी होता है जब वो दुनिया को देखता है वो दो डायमेंशन में देखता है, जो पायलट होता है वो तीन डायमेंशन में देखता है, ये दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भी देखता है। Coming on the left is the famous Kota Bridge. क्या क्या? Imagine नहीं किया था ना? तो मैं चाहता हूँ कि सब हिंदुस्तान के बच्चे सब कुछ इमेजिन करें। जो गरीब भी हो उसको इमेजिन करना चाहिए, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। न्यूटन का आपने थर्ड लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पे अगला फोर्स लगाता है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसके ऊपर एक रोटर है, वो घूमता है, तो अगर वो इस साइड घूम रहा है राइट, तो हेलीकॉप्टर को इस साइड घूमना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ। इसका जवाब बताओ ना। तो ये क्या कर रहा है, ये हवा को उस साइड धकेल रहा है ना, तो हेलीकॉप्टर के पूंछ को ये इस साइड घुमा रहा है। सर वो जो साइड वाला है, हाँ? ये ऊपर उठे हुए क्यों है? बिल्कुल ऐसे प्लेन भी तो हो सकता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब हवा लगती है ना, तो यहाँ से निकल के यहाँ आती है, तो यहाँ ये टर्बुलेंस क्रिएट करती है, उसको काटने के लिए। हाँ सर, हाई वेलोसिटी क्रिएट, लो प्रेशर बार, लो थ्योरम। हाइट जो मैंने आपको दिखाई, हाँ, और स्पीड जो दिखाई वो यहाँ से आती है। इंडिया में वुमेन पायलट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। सवाल पूछने चाहिए। अब कौन पायलट बनना चाहता है? अब सब पायलट बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी भी मेंटेलिटी ऐसी थी कि 10th हुई, 12th हुई, देन IIT करेंगे, पर अब जब सर ने बोला है कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ 5 चीज की नहीं देखनी चाहिए, जिस चीज़ में तुम्हारी हॉबी वो करना चाहिए। ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें इमेजिन करना है और हमारी इमेजिन पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। मन तो नहीं कर रहा था कि उस हेलीकॉप्टर से वापस आऊँ, पर लग रहा था कि मैं पंछी बन के उड़ रही हूँ।